Ladies and gentlemen, this is the Sistine Tarim 2023. Tarah tarah ki kalaein, tarah tarah ke pradarshan. Chaliye karwate hain aapko is anokhi jagah ke darshan. This is how a normal open house day at Sistri looks like, as you can see behind me. Hi. Hello. This is our director and he's going to stand up. Hi, Chef. Hello. Kathak is one of the 8 major forms of Indian classical dance. It is the classical dance from Uttar Pradesh. नाच गाना देखने के बाद मुझे आकर्षित किया इस दूर खड़े अंतरिक्षयान ने अपनी ओर, जहां दुनिया भर की भीड़ लगी पड़ी थी और माँ बेटे आपस में गले लग रहे थे, और वहां पर खड़े थे मेरे कुछ फैकल्टी मेंबर्स अपनी फैमिली के साथ। मैंने की उनसे कुछ मुलाकात। हे शाला बंदर घुस, काम कर बात। खुल जा सिम सिम करके दरवाजा खुला। डोम के अंदर पहुंचते ही इससे पहले कि मैं कुछ देख पाता, ढेर सारी आंखें मुझे देखने लगी। अंदर पहुंचकर पता चला कि ये अधकटा गुब्बारा कोई स्पेसशिप नहीं बल्कि एक ऐसा सिनेमा है जिसके चारों तरफ चित्र चल रहे हैं। पास बैठे लोग बड़ी बड़ी आंखों से नजारे देख अचंभित हो रहे हैं। लेकिन ये गोलाकार सिनेमा बनाया कैसे गया होगा? ज्यादा कुछ नहीं, एक लैपटॉप जिसमें 360 डिग्री फिल्म चल रही है, साथ में एक प्रोजेक्टर और एक कॉन्वेक्स सरफेस, वो भी मेटल का कॉन्वेक्स मैगन सरफेस, प्रोजेक्टर की लाइट को चारों तरफ फैला देता है। हाँ, और दुनिया हिलती हुई नजर आती है। Hi, I'm Mita. I'm from second year studying creative education and I have worked on the Full Dome Film Festival with Kartika Shaktivelia. We went around Bengaluru to shoot different places and then we had like a lot of fun shooting with the 360 degree camera. ये चांद सा मुखड़ा उठा के आओ हम लोगों के बीच झांके, क्या पता कोई मिल जाए हमें ऐसा अपना जिसको गले लगाकर हम ताके।
इसीलिए बड़े कमाल की बात कही है कि खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद होकर का ताला। लेकिन सर बाहर तो वाराणसी लिखा था। 3.61 किलोमीटर का फासला, दोनों के बीच कोई फासला नहीं होता। और वैसे भी जब दिल नजदीक हो तो गुड़िया मायने नहीं रखती। वाह सर वाह वाह वाह, क्या बात कही है आपने सर, क्या बात कही है। For a 5-day exposure, yes, it's really intriguing how they could apply the social context of Varanasi. सर एक बात तो माननी पड़ेगी, क्या कमाल की मूर्तियां इन्होंने बना रखी हैं यहाँ पे, और साथ में ही कितने कमाल कमाल के इन्होंने पजल्स और पासे बना के रखे हुए हैं। हाँ कमाल के पासे हैं, लेकिन क्या तुम ये जानते हो कि इन सभी पासों का सिर्फ एक ही बादशाह है? ये सर बादशाह तो आप ही, सर कोई डाउट ही नहीं है। We went to Banaras for a visit. We studied some of the toys over there, and we saw what the culture was like. Banaras, how special it is. It's a beautiful experience. I think everybody deserves to visit that place. We can't forget that. And so we saw a specialty from Banaras. बनारस का पान खाने के बाद अब उड़ीसा की तरफ चलते हैं। यहाँ प्राकृतिक नजारों और मंदिरों के अलावा क्या खास है? ढोका आर्ट उड़ीसा की एक बहुत ही पारंपरिक कला, जिसमें कि ब्रास मेटल को कास्ट करके उससे खूबसूरत कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं। सर सच बताऊँ, ढोकरा सुन के ढोकला याद आ गया, मुँह में मेरे पानी आ रहा है, खाना खाने का मन कर रहा है। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा कि उड़ीसा भी कमाल है। और सर बुरा ना मानिए, एक बात बताऊँ, यहाँ की लड़कियाँ भी बहुत खूबसूरत होती हैं। ये बिल्कुल नहीं बोलना था, गलती हो गई। नॉर्थ ईस्ट घूम लिए हैं, अब चलें किधर? अब आओ साउथ चलें। बिदर बिदर बिदर, द सिटी ऑफ विस्परिंग मॉन्यूमेंट्स एंड क्राउन टाउन, सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कर्नाटक स्टेट इन इंडिया। अच्छा, और यहाँ ऐसा क्या खास है? अच्छा ये बताओ, क्या तुमने बिदरी वेयर का नाम सुना है? बिदर इज नोन फॉर इट्स बिदरी वेयर हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स एंड इट्स रिच हिस्ट्री। हमारे सिख भाइयों की तीर्थ यात्रा के लिए साउथ इंडिया में सबसे पवित्र जगहों में से एक है बिदर। सर इतनी अच्छी अच्छी जगह पे घूम के मजे आ गए, अब सर कॉलेज चल लो, नहीं तो हम ना रास्ता भूल जाएंगे। इतनी क्या जल्दी है, तमिलनाडु चलते। 3 मिनट के अंदर आपने मुझे 3 स्टेट्स घुमा दिए हैं। इतनी तेज तो मैटर के तीनों स्टेट, सॉलिड लिक्विड और गैस, आपस में कन्वर्ट नहीं होते सर। ये क्ले का स्टैचू किनका? रामानुजा, जिनका जन्म चोल साम्राज्य के अंतर्गत श्री पेरम्बदूर नामक एक गांव में एक तमिल ब्राह्मण समुदाय के अंदर हुआ था। अच्छा सर ये तो समझ आ गया, लेकिन तमिलनाडु और किन किन चीजों के लिए फेमस है? तमिल लोगों का एक बहुत लंबा इतिहास रहा है। वैसे तमिलनाडु अपने मंदिरों, त्योहारों और कला के उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ मंदिर और स्मारक पर्यटकों के लिए एक आकर्षण बन चुका है। एंड दैट इज व्हाई तमिलनाडु इज आल्सो नोन एज द लैंड ऑफ टेंपल्स। आहा हा हा, सर ये जगह वाकई बड़ी खूबसूरत है। अभी तुमने देखा ही क्या है, खूबसूरती तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये क्या कमाल चीज है, मेरे पैरों को ट्रैक करके हथौड़े बजाए जा रहे हैं। कवि सम्मेलन, द गैदरिंग ऑफ पॉइंट्स। विच स्काई स्थानक ओर्स करें
From the sun to the moon, and back to the sun, and back to the sun, from the sun to the moon. अरे ये इतनी सारी भीड़ कहाँ से आ गई है अचानक, इतने सारे लोग। यो ये अब होने वाला है फाइनल टॉप टू शोज, वो भी ठीक इसी जगह है। ओ भाई साहब, रस्सी से थोड़ा सा फिसले तो चटनी बन जाएगी। दिल थाम कर बैठिए, वो समय आ चुका है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था।
Last time I performed this dance, you can click on the I button to watch the video. Thank you so much. Thank you. Yo guys, the dance was awesome. The tea was fabulous. Finally guys, the interpretations is over and I hope you liked the video. If you liked my video, then definitely do like and subscribe to my channel for more such videos. Have a good day. Keep enjoying the life. दोस्तों शेक डबी को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।